रंगीज मिजाजी शिक्षक दूसरों की बहू बेटियों को नहाता देखने छत पर लगवा दिया सीसीटीवी कैमरा। मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई में ग्राम निजामपुर मगरोनी के रहने वाले कल्लू साहू ने अपनी फरियाद सुनाते हुए बताया कि वो अपने पड़ोसी भवानी शंकर, जो पेशे से शिक्षक हैं, उसके परिजन शंभु दयाल जोशी, विक्रांत और मनोज जोशी से परेशान हैं। युवक ने बताया कि उसका मकान कच्चा था, जिसे वो पक्का बनवा रहा था, लेकिन उक्त शिक्षक और उसके परिजन मकान बनने नहीं दे रहे हैं। जब निर्माण कार्य शुरू करवाया जाता है तो गाली गलौज करते हैं, मजदूरों को भगा देते हैं। भवानी शंकर का मकान 2 मंजिला है, जहां उसने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, जिसका मुंह उसके आंगन की तरफ है। सीसीटीवी कैमरा लगे होने से महिला और लड़की को नहाने और सोने में असुविधा हो रही है। मामले को लेकर कई बार जनसुनवाई को लेकर एसडीएम करेरा, तहसीलदार नरवर और नगर परिषद सीएमओ कई जगह आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसलिए अब दोबारा आपके पास आया है, मामले में सुरक्षा प्रदान कर कार्यवाही की जाए। मेरा नाम तो कल्याण प्रसाद मोदी है और वैसे कल्लू साहू है, निवासी निजामपुर मगरोनी से आया हूँ और मैं 1 महीने से आवेदन लगा रहा हूँ लगातार। जनसुनवाई कलेक्टर को भी आवेदन दे चुका हूँ, तहसीलदार नर्व को आवेदन दे चुका हूँ, एसडीएम करेरा को आवेदन दे चुका हूँ और नगर पंचायत सीएमओ मगरोनी को आवेदन दे चुका हूँ। परेशानी क्या है? परेशानी यह है, मेरा एक बरसात में मकान गिर गया था तो दबंग पड़ोसी है भवानी शंकर जो जी शिक्षक, वो मकान को बनाने नहीं दे रहा और मेरी ड्यूटी आवेदन शिकायत कर रहा है, मुझे बना नहीं दे रहा और मेरे घर के उसने अपने मकान के ऊपर से कैमरा मेरे आंगन में लगा दिया, जिसमें खुले हुए मेरे बच्चे, औरतें, महिला दिख रही हैं। क्यों नहीं बना नहीं दे रहा है, क्या कारण है? वो दमंग है सर, मेरे को पूरे कागज है, मंजूरी है, स्वीकृति है, भवन निर्माण है और सारे नाप तोल है, मेरे पास रजिस्ट्री भी है, पर रजिस्ट्री के मुताबिक भी नहीं बना दे रहा। दमंग है, पैसे वाला है, राजनीतिक है, कुछ गाँव का प्रभावशील है और साथ ही शिक्षक है, तो मुझे नाजायज परेशान कर रहा हूँ। मैं लगातार दर आवेदन दे रहा हूँ, अभी तक कोई अधिकारी मौना नहीं कर रहा, ना तहसीलदार जा रहा, ना 2 बार जनसुनवाई कलेक्टर में भी आज सीपरी आया हूँ मैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही।